हेलो गाइस, नमस्कार। जुगाड़ू ट्रैवलर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने अभी न्यू बुलेट ली है, क्लासिक नेक्स्ट जनरेशन 350 का, जो मार्च ग्रे का कलर आया वो मैंने ख़रीदा है। और मैंने सिर्फ दो लॉन्ग राइड पहले कर चुका हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ कि इलाहाबाद से लखनऊ जा रहा हूँ, तो मैं इस बार वीडियो ज़रूर बनाऊँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा मेरा अपनी इस बाइक के साथ। आप देख सकते हो बैग वगैरह मैंने पीछे बांध दिया अच्छे से। और अब देखिए हम लखनऊ कब तक पहुंचते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और लखनऊ का रास्ता यहाँ से 198 किलोमीटर है। सामने पीछे साइड बोर्ड दिख रहा है, उसमें लिखा हुआ है। और मेरे ख्याल से कि इसमें 4 से 5 घंटे मुझे लग जाने हैं। वहीं बाइक आप देख सकते हैं फुल्ली पैक्ड है, सामान मैंने अच्छे से बांध दिया पीछे के गिरे ना। और बाइक की पहली सर्विस हो चुकी है 500 किलोमीटर में। अभी आपको दिखाते हैं कि बाइक की क्या कंडीशन है। और 1279.9 किलोमीटर चल चुकी है। और अभी मैं टाइम बता देता हूँ प्रयागराज से निकलने का आपको। तो प्रयागराज से मैं निकल रहा हूँ, सॉरी 8:33 में मैं निकल रहा हूँ। टैंक अभी लगभग फुल है। कल फुल करके थोड़ा सा चलाया था मोदी जी और योगी जी ने, तेल थोड़ा सस्ता कर दिया, तो ये थोड़ी राहत की बात है। तो आप इधर देख सकते हो लखनऊ 198 किलोमीटर है। अब देखते हैं पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो मैं अपनी सारे एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा कि कैसा रहा मेरा ट्रिप। मैं बताऊंगा कि एक्सपीरियंस कैसा होता है इसका लॉन्ग राइड में। मैं पुरानी वाली क्लासिक से भी मैंने बहुत लॉन्ग राइड्स की और नए वाली से भी। दो बार मैं प्रयागराज से लखनऊ आया हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही स्मूथ रहा है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही कंफर्टेबल एक्सपीरियंस रहता है इस नई क्लासिक के साथ। जबकि पुराने क्लासिक में क्या होता था कि आपके हाथ दर्द करने लगते थे, आपकी पीठ दर्द करने लगती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो चलिए मैं पहुंचता हूं और बीच के भी आपको एक्सपीरियंस बताता हूं, जहां भी मैं चाय पीने रुकूंगा, थोड़े थोड़े बाइक से भी बात करूंगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपनी बाइक राइडिंग। एक भी जगह मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं थक गया हूँ, मुझे उतर देना चाहिए। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है। बहुत ही सही एक्सपीरियंस था। और एक घंटे मेरे ख्याल से 50-60 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी और बहुत ही सही एक्सपीरियंस था मेरा। अब मैं एक गाँव में रुका हुआ हूँ, जहाँ पर यहाँ दही जलेबी मिल रही है और खाने पीने की अच्छी दुकान है। तो मैं सोच रहा हूँ कि रुक के कुछ खाऊँ जलेबी वलेबी गाँव का, थोड़ी सी बाइक को रेस्ट भी दे दूँ, क्योंकि बाइक नहीं है और मुझे एक घंटे से ज़्यादा राइड नहीं करना और मेरी स्पीड लिमिट भी 80 के अंदर होनी चाहिए। तो ये 2000 किलोमीटर तक ये चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। तो बाकी बाइक तो आप देख ही रहे हो क्या सीन है। ये रास्ता जा रहा है लखनऊ का। बाकी चलिए कुछ खाते पीते हैं। तो भैया 10-20 मिनट की रेस्ट दे दी मैंने अपनी बुलेट को, और बैग इधर की तरफ लटक रहा था तो मैंने इसको भी सही कर दिया है। अब वापस से निकलते हैं राइड पर। बहुत ही सही एक्सपीरियंस रहा अभी तक। मैं बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं, बस इंजन को आराम देने के लिए मैंने एक ब्रेक ले लिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से, एक घंटे में 60-70 किलोमीटर कवर करने की कोशिश करते हैं। और अब रुकेंगे अपन ऊंचाहार में। वही रायबरेली क्रॉस कर लिया है मैंने। और सच बताऊँ, बहुत ही ऑनेस्ट रहेगा कि अभी तक मेरा एक बार भी ऐसा मन नहीं किया कि मैं गाड़ी छोड़ दूँ, गाड़ी ना चलाऊँ, मैं थक के आऊँ, ऐसी फीलिंग एक बार भी नहीं आई है। और मैं लगभग 150 किलोमीटर गाड़ी अब तक चला चुका हूँ और ना कि मैंने किसी ना तो हाथ में दर्द हो रहा है। ये कम्फर्ट ही है, इस क्लासिक की यही खासियत है कि एक तो वाइब्रेशन 100% ही, मतलब मुझे तो महसूस ही नहीं होती। कोई पुराना क्लासिक का राइडर होगा तो उसे तो लगेगा कि पता नहीं क्या ही चला रहा है, क्या चला रहा है। तो अभी बचा हुआ है 12:02 हो गया है, मैं भी 1 बजे तक मैं लखनऊ पहुँच जाऊँ। मेरी
बाइक ख़त्म हो गई है प्रयागराज से लखनऊ तक की, जो कि पूरी 225 किलोमीटर तक की थी। और मैं प्रयागराज में कर्नलगंज से चला था और लखनऊ में आया हूँ मैं फैज़ाबाद रोड तक। अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँ क्लासिक नेक्स्ट जन के साथ, तो बहुत ही शानदार रहा। ये मेरी तीसरी लॉन्ग ड्राइव थी क्लासिक नेक्स्ट जन से और अब वो टोटल 1500 किलोमीटर लगभग चल चुकी है। और कंफर्ट की बात करूँ तो यार सबसे बेहतरीन चीज़ इस बुलेट में ये है कि ये पुराने वाली बुलेट से ये डिफरेंट बनाती है कि कंफर्ट लेवल। पुरानी क्लासिक भी बहुत अच्छी बाइक थी और मैंने उसको भी राइड किया, पहाड़ों में भी राइड किया है, सिटी राइड भी किया है, लेकिन कंफर्ट लेवल पे कहीं ना कहीं वो मात खाती थी। मेरे इस बाइक को लेने का यही मकसद था क्योंकि मुझे टूरिंग बहुत करनी थी, मुझे घूमना बहुत ज़्यादा था बाइक से, इसलिए मैंने क्लासिक नेक्स्ट जन लेने के लिए एक साल वेट किया। इसके पहले भी मैंने प्योर ब्लैक बुक कराया था लेकिन मैंने नहीं लिया, मैंने कहा वेट कर लेते हैं, क्या पता है कि अच्छा इंजन आए और मेरे काम आए वो टूरिंग में। कंफर्ट लेवल की बात करें तो इसकी जो सीट है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट है, आपको कहीं भी महसूस नहीं होगा कि आपके कमर या आपके हिप्स दर्द कर रहे हैं राइड करते करते, जबकि मजबूरन मुझे हर घंटे अपनी बाइक रोकनी पड़ी थी, इसलिए क्योंकि अभी मेरा रनिंग पीरियड में बाइक चल रही है, अभी उसको 2000 किलोमीटर तक थोड़ी मोहब्बत से चलानी, इस वजह से मैं 60-70 और 80 के स्पीड के अंदर ही था और हर घंटे मुझे रेस्ट लेना था, बाइक के इंजन को रेस्ट देना था। क्या पिकअप है, क्या ब्रेकिंग है, लाजवाब है, मतलब कि मज़ा आ गया, मतलब कि रॉयल इनफील्ड ने कई अरसों बाद इंजन बदला क्लासिक का और ये वर्थ था, अच्छा किया बदल के। जितने भी बुलेट लवर थे जो नई बुलेट लेना चाहते थे उनके साथ बहुत ही अच्छा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन हो क्लासिक नेक्स्ट जन से रिलेटेड, इस बाइक से रिलेटेड, A to Z, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं सभी क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि वही मोटिवेशन देता है, नंबर्स ही मोटिवेशन देते हैं। थैंक यू सो मच।